हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली वालों के लिए दोस्तों बड़ी जबरदस्त वैकेंसी आउट हुई है। ICSIL के थ्रू वैकेंसी आउट हो चुकी है। आपकी पोस्टिंग होगी दिल्ली में। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसी आउट हुई है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है सारी आज अपनी वीडियो में कवरअप करेंगे। क्योंकि काफी लोगों के कमेंट सेक्शन में मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर इस वैकेंसी को कवरअप जरूर करिए, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कल ही आउट हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो में हम सबको डिस्कस कर लेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। बेसिकली दोस्तों ICSIL के थ्रू वैकेंसी आउट हुई है। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी दिल्ली में, यानी कि ICSIL के ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होगी। पोस्ट की बात करते दोस्तों, पोस्ट का नाम है रिसेप्शनिस्ट। इसमें जो रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है ICSIL के हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग होगी। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। 20,430 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। इसमें दोस्तों 1,000 रुपए कन्वेंस अलाउंस जुड़ते हैं और 500 रुपए मोबाइल के अलाउंस जुड़ते हैं। तो आपकी जो टोटल पर मंथ की सैलरी बनती है वो बनती है 21,930 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अब दोस्तों एज की बात करें तो ज्यादा आपकी जो नीचे 55 साल। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएशन मांगी गई है, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये इन्होंने एक लिस्ट दी है इसकी एक्सपीरियंस की, ये आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बेसिकली काफी बच्चों के यही सवाल आ रहे थे, क्या सर इसको फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या ये पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट के लिए निकली है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसमें साफ साफ ये चीजें मेंशन करी गई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जो बच्चों की क्वेरीज थी इसमें वो पूछ रहे थे कि इसको क्या फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म वही अप्लाई कर सकते हैं जो एक्स सर्विस मैन है, JCUs हैं, इंडियन आर्मी में, नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में। दोस्तों इसके अलावा कोई और कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इसको फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इससे आपको पता चला है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की और क्या पक्की सरकारी नौकरी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये प्रॉपर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। इसके अलावा इसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 अप्रैल 2021। अप्लाई करने का जो तरीका है दोस्तों वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन प्रोसेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक बार एडवर्टाइजमेंट भी आप जरूर रीड आउट कर लेना, ताकि आपको सब चीजें इन डेप्थ एनालिसिस हो सके और आप समझ सको कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई और क्वेश्चन या सुझाव हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।